हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सुदेश लहरी। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं, काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रहे। और मैं सोच रहा था घर बन जाए तो मैं आपको घर की वीडियो दिखाऊं, और काफ़ी घर बन चुका है तो आज आपको दिखाता हूं घर। आइए तो दोस्तों, ये है हमारा ड्राइंग रूम जहाँ पे हम पूरी फैमिली बैठकर आपस में चुगलियाँ करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि और करे भी बंदा क्या। एक तो लॉकडाउन रहता है तकरीबन मुंबई में, और हम जब घर पे होते हैं तो और कोई बात है, टाइम पास सबसे बड़ा चुगलियां हैं। और दोस्तों, बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? यहां रात को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है दिवाली है। इसको जरा मैं बंद कर दूं। हाँ जी, मैंने बचपन में इतनी फिल्में देखी हैं कि चार चार फिल्में मैं देखता था। टिकट बड़ी सस्ती होती थी, साइकिल पे जाना, एक थिएटर में जाना सुबह 10 बजे, फिर अभी ख़त्म ही नहीं हुई और वहाँ से भाग जाना, दूसरी, फिर तीसरी, रात को 12 बजे। इतनी फिल्में देखता था। फिल्में देखने का बड़ा शौक रहा है और आज भी दिल करता है कि पुरानी फिल्में कहीं थिएटर में लगें, लेकिन थिएटर में मेरे लिए तो लगेंगी नहीं। और मुझे बड़ा शौक था कि मैं घर पे एक छोटा सा होम थिएटर बनाऊं, तो यहाँ पर जगह मिली है थोड़ी खुली, तो मैंने होम थिएटर बनाया है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी स्क्रीन नीचे आएगी और मैं तो वीडियो मैं आपको अपनी ही दिखाऊंगा, नहीं तो कोई कॉपीराइट आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। अपनी ही ये देखिए। आलू ले, टिंगे ले, प्याज ले। बहन जी आपको दिखते नहीं कैसे लगाए, ये देखिए ऐसे जोड़ के लगाए, दिख रहे हैं आपको? ए तमीज से बात कर। देख लो दोस्तों, सब्जी बेच बेच के घर बना लिया हमने। अब मैं आपको अपना स्टूडियो भी दिखाता हूँ। दोस्तों, मुझे स्टूडियो का बड़ा शौक था, हालांकि मैं कौन सा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे गाने का शौक है और शुरू से ही शौक होता था। जहाँ भी स्टूडियो देखता था मेरा दिल करता वहीं बैठ जाऊँ, सीखूँ। लेकिन आजकल यूट्यूब पे ही फिर आपको पता है सीखना पड़ता है। मैं यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक सीखता रहता हूँ और छोटा सा होम स्टूडियो बनाया जहाँ पे शिखा के और अपने गाने या कभी कभी डबिंग करनी पड़ती है। आपको दिखाता हूँ कैसा लगा आपको मेरा स्टूडियो। दोस्तों, ये जो मैं कॉमेडी करता हूँ ये तो चलो मेरी मजबूरी है, असल में मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता था। और एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मैंने सारी ले ली हैं। स्पीकर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये पियानो चाहिए, सारा कुछ, एक कुर्सी चाहिए घूमने वाली। अब सीखना है ना, वो तो अगले जन्म तक मैं सीख ही जाऊँगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू देखते रहो ना, तो क्या होता है मन में थोड़ा हौसला होता है। वीडियो पे व्यू आए ना आए, यहाँ पे तो हम थोड़े व्यू देख लें। ये जो आप वो दूर पहाड़ देखिए, पहाड़ भी दिखते हैं यहाँ से, और इधर देखिए यहाँ पे नीचे मेट्रो भी बन रही है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर साइकिल सीखना है, अगर साइकिल है अपने पास तो एक दिन आ ही जाएगा। और मैंने भी ये स्टूडियो बना लिया, एक दिन म्यूजिक बनाना मुझे आ ही जाएगा। अब मैं मिलाता हूँ आपको पूरी फैमिली से, क्योंकि फैमिली से नहीं मिले तो घर कैसा फैमिली के बिना। शिखा, हेलो। हाँ जी, वीडियो। हाँ जी, आओ जी, आओ जी। ये जी मतलब ये भी मेरे वाला हिसाब है, जैसे मैंने होम स्टूडियो बनाया ना, भी एक दिन आ ही जाएगा। इसने भी गिटार ले लिया, क्योंकि जैसे पता क्या होता है कि एक दिखावा होता है, ये जैसे एयरपोर्ट पे जाए गिटार पास हो लड़की के, वहाँ लगता है यार बड़ी इसको आती होगी। आती है भैया? नहीं, थोड़ी बहुत आती है। बजाओ। कौन सा गाना? गाना नहीं, वैसे भी आगे दिखाओ। मुझे लगा गाना सुनना है। ऐसे लगता है शोले फिल्म स्टार्ट हो गई। और दोस्तों, ये है शिखा का रूम, और शिखा के पास बहुत अच्छा लगता है ये बहाना। जब भी इसको बोलते हैं चाय बना दो, खाना बना दो, तो कहती है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। गिटार एक बहाना है
और पापा बाकी मुझे मिलवाने लेकर आए, मेरी बेइज्जती करवाने लेकर आए। चलो कोई बात नहीं, चल तुम हॉल में आ जा, पहले तारीफ करो, कोई भी तारीफ करके जाओ फिर जाओ। अरे वहां आ जाना, बातें करते, बाकी भी सारे सबने मिलना है ना। ठीक है ठीक है। हां ओके, अब चलते हैं साक्षी के पास। साक्षी ये है जी हमारी साक्षी, और ये है साक्षी का रूम। कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा होगा। हाँ तेरा रूम है तो अच्छा ही लगा होगा। और जितना भी घर बना है, ये सारी चॉइस जो है ये लेडीज डिपार्टमेंट की है, सब इन्होंने बनाया है, मेरा तो बस पैसे ही लगा। बच्चे अगर अच्छे हों तो घर भी अच्छा लगता है, अगर घर पे प्यार ना हो, शांति ना हो, तो घर कितना भी अच्छा हो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये बस खुश रहो, आबाद रहो, और जल्दी जल्दी अपने हॉल में आ जाओ, वहाँ बैठ के बातें करते हैं। एक बार रूम दिखा दो जी सारा। मनीष साक्षी का रूम सबसे अच्छा है। तो दोस्तों ये है मेरा रूम, और खुशी की बात ये है कि कैमरा पहले ही अंदर है। क्या बात है, ये यहाँ पर तैयार होने के लिए, यहाँ पे वॉशरूम है, और यहाँ पे आपको पता ही है क्या क्या होता है। ये फालतू की बात मैं क्या करूँ, मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको, मुझे तो व्यू अच्छे लगते हैं। मैं सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, यहाँ पे दिल लगता है, बोर नहीं हो सकता बंदा यहाँ पे। तो अब मैं आपको मिलाता हूँ इस घर की मेन मालकिन, जिसका रजिस्ट्रेशन पे भी नाम है भैया बिल्लो। आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, ये है हमारी किचन। किचन नहीं, मैं बीवी हूँ आपकी। नहीं नहीं, ये हमारी बीवी है और ये हमारी किचन है। कहते हैं ना कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, घर की मालकिन ही सब कुछ है। और ये इसमें बात कीजिए, ये लीजिए ये माइक है। हेलो नमस्कार जी, बहुत खुशी है, हमारा घर तैयार हो गया हुआ है, तो आज हम टूर करवा रहे हैं घर का, तो एक बार फिर कराएंगे, थोड़ा बहुत कमी है अभी, बाकी चाय लेके आते हैं। हाय नहीं, सो स्वीट। अब हम पियेंगे चाय उधर हॉल में बैठ के, बच्चे उधर वेट कर रहे हैं, तो उधर ही आ जाओ। तो दोस्तों आज की शाम आपके नाम, मतलब ये कहने की बातें होती हैं, वैसे तो हमारे नाम ही है, चाय हम पी रहे हैं, लेकिन चलो आज की गुड इवनिंग, वैसे तो हमेशा हम लोग कहते रहते एक दूसरे को, लेकिन आज गुड इवनिंग लग रही है, क्योंकि आज हम नए घर पे बैठे हैं और नए घर में हम चाय पी रहे हैं सब बैठकर। और आपको कैसा लगा, क्योंकि व्लॉग पहला मेरा बन गया है। इनका व्लॉग पहले बन गया, सबने अपनी अपनी सलाह बनाई थी। साक्षी भाभी ने अपना किचन का व्लॉग बनाना, मैंने सोचा मैं अपना रूम टूर करवाऊंगी, पर अब सबसे पहले पापा ने पूरे घर को आपको दिखा लिया। प्लीज जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको हमारा घर कैसा लगा। क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन्होंने दिखा दिया सारा घर फिर मेरा फायदा कोई नहीं। तो मैं कहा पहले मैं दिखाऊंगा, बाद में आप जाए, क्योंकि जब एक बार फिल्म हमने देख ली बाद में क्या फायदा। तो इसलिए मैं चाहता था कि पहला मेरा ही आए। नहीं, और ये है हमारा कैमरामैन, कब से बेचारे ने फोन उठाया हुआ था, अभी नजर आया। आपको कैसा लगा मनी? मनी बोलो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा था मैं जिम का व्लॉग बनाऊंगा, तो कुदरती फिर वो जिम बंद करवा रही है सरकार ने। देखिए जी वो भी जरूरी है, क्योंकि रश है, भीड़ है, लेकिन तेरे को क्या, तेरे को तो बहाना मिल गया। मतलब वहां कौन सी तेरी बॉडी बन जानी थी, अब तू कह सकता है यार जिम बंद थे इसलिए नहीं बॉडी बनी, ये तुम्हें बहाना चाहिए। और चलो सेफ रहिए, खुश रहिए, और अब आप भी आजाद हैं, जैसे कहते हैं ना कि वो शादी के बाद रस्में हो जाए। चलो तो हमारा वो दिखाई होगी हमारे घर की, अब हम भी व्लॉग बनाएंगे। तो अभी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, उससे पहले आपको ये कौन सा बुरा है ये वाला। नहीं पूरी बात तो सुन लो। उससे पहले आपको इस व्लॉग को बहुत प्यार देना है, और हमें बताना है कि हमारा ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, वो वाला पिछला डिलीट कर देना चाहिए, व्लॉग के साथ साथ घर भी कैसा लगा। हाँ, हमारा घर कैसे लगा, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग साक्षी भाभी के चैनल पे आएंगे मेरे मनी के, तो प्लीज आप हमें जरूर बताना। आपका फिर नहीं बोला पापा, मेरा नाम तो बोला। सबसे अच्छे व्लॉग इसके होंगे। हाँ। बिल्लो के। हाँ। और आपको एक और खुशखबरी देनी है कि यहाँ ये दोनों अपने चैनल यानी कि किचन
का शुरू कर रहे हैं किचन के, आपको बहुत हंसाएंगे भी और अच्छे अच्छे खाने भी खिलाएंगे और मेरे को गाने भी गवाएंगे। अरे और मेरे बच्चे को आता भी क्या है। तो बाय बाय, चुप कर जा। शिखा का संग शिखा, ठीक है बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।